नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। वडाला विधानसभा कांग्रेस द्वारा आज वडाला में किया गया प्रमुख कार्यकर्ता मेलावा का आयोजन। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित होकर पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, मुंबई कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधु चव्हाण, मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष जियाउर रहमान वाहिदी और उपाध्यक्ष सुरेश कोपरकर, मुंबई कांग्रेस के महासचिव धीरज सिंह, जिला अध्यक्ष हुकुमराज मेहता, कार्यकारी अध्यक्ष कचरू यादव और नगर सेवक सुफियान मनु उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करें और पार्टी को मजबूत बनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। आज दैनिक कैप्चर न्यूज में हमारे साथ जुड़े महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी। मैडम, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आपको पता है, जिस तरह से मुंबई कांग्रेस के माध्यम से जो ऑब्जर्वर हमारे हुए, हमारे यहाँ पे जो है वो सन्मान्य मधु चव्हाण जी, हमारे सुरेश कोपरकर जी और जिया भाई जी, धीरज सिंह जी, इनको ऑब्जर्वर बनाया है। तो हर तालुके में वो लोग मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, कार्यकर्ता के सूत्र आप देख रहे हैं कि 3 घंटे से वो लोग यहाँ पे बैठ के सभी कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट, इन सबका बात उन्होंने सुना है। आज कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, इसीलिए उनका मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। मैडम, जो जैसे अभी रूरल एरिया जो है, रूरल एरिया में कुछ एक्सपर्ट्स और जो जैसे शिक्षकों ने बोला है कि कोविड-19 जहाँ पर नहीं है, जो विलेज में, वहाँ पर स्कूल चालू किया जाए, उस विषय में क्या कहते हैं? हम थोड़ा देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से थर्ड वेव की बात हो रही है, डेल्टा की बात हो रही है, और उसका सीवियर कितना होगा वो चेक करके जो गाँव ये संभाल सकता है कि ये परिस्थिति वैसे ही रहे, और जो गाँव में कोरोना रुग्ण नहीं है उसको हम पहले चेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डेल्टा के ऊपर हम पूरा ध्यान रख के स्कूल शुरू करेंगे। धन्यवाद मैडम।